हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप तवे पर ही बना सकते हैं कपकेक, और वो भी स्टील की कटोरियों में। तो हम जो बैटर बनाएंगे इसका, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल पे मैंने छन्नी रख दी है और इसमें मैं ले रही हूँ मैदा। मैदा मैं 2 कप ले रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1 चम्मच, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक 1 पिंच, और इसे हम अच्छे से छन्नी में से छानकर अलग रख लेंगे। यहाँ पर मैं एक दूसरा बाउल ले रही हूँ, इसमें मैं डालूँगी दही। दही मैं ले रही हूँ 60 ml। पिसी हुई चीनी मैं ले रही हूँ 85 ग्राम, यानी जिससे मैंने मैदा लिया था उसी से मैं चीनी ले रही हूँ, और रिफाइंड ऑयल 60 ml, या फिर आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 2 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप विनेगर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस के मैं 4 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट बनाकर रखा था वो हम धीरे धीरे इस मिक्सचर में ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से हिला के मिक्स करना है। ये मिक्स होने के बाद थोड़ा ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा ड्राई है ये, तो इसमें हम डालेंगे दूध। दूध मैं ले रही हूँ 60 ml, और दूध हम धीरे धीरे इसमें मिक्स करेंगे, एक साथ हम नहीं डालेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना जमें। अगर आपको लगता है कि 1 कप दूध डालने के बाद भी आपका बैटर ठीक से रेडी नहीं हुआ है तो आप थोड़ा और दूध डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 स्टील की कटोरियाँ। कटोरियों को सबसे पहले मैंने ऑयल अप्लाई किया है। ऑयल के बाद हम इसमें थोड़ा सूखा मैदा डालकर अच्छे से इसकी डस्टिंग कर लेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब हम इसे बेक करेंगे तो जो हमारा केक है वो इन कटोरियों में चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा रेडी किया हुआ बैटर। कटोरी को हम आधा ही फिल करेंगे, पूरा नहीं फिल करना है क्योंकि ये फूलेगा भी। और जो मेरा बाकी बचा हुआ बैटर था मैं उसमें चोको चिप्स डाल रही हूँ। और अब हम कटोरियों को आधा आधा फिल करके रख लेंगे। यहाँ पर मैंने तवा लिया है, लोहे का तवा है मेरा, और इसे मैं हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए गर्म कर लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं कटोरियाँ रख दूँगी। कटोरियों को ढकने के लिए मैंने दूसरी कटोरियों का इस्तेमाल किया है। इसे हम 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे कपकेक रेडी हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गए हैं। हमने सिर्फ आधी आधी कटोरी फिल किया था, अब ये पूरी कटोरी भरकर बन चुका है। तो हम ऐसे टूथपिक की मदद से टूथपिक इसमें डालकर देख लेंगे। अगर हमारी टूथपिक साफ बाहर आती है तो इसका मतलब हमारा जो केक है वो रेडी है। हम हमारी जो कटोरियां हैं इसको हम तवे से नीचे उतार लेंगे, और इसके बाद जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तब हम इसे कटोरियों को साइड से चाकू की मदद से इसमें से जो हमारा कपकेक है उसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा कपकेक बनकर रेडी हुआ है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से चॉकलेट कपकेक भी बना सकते हैं। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा आया है, और ये हमने सीधा डायरेक्ट तवे पर बनाया है। हमने कोई कुकर इस्तेमाल नहीं किया है, कोई ओवन की ज़रूरत नहीं हमें,
और कटोरियों में ही हमने इसे बनाया है, यानी नॉर्मल जो स्टील की कटोरियाँ होती हैं उसी में आप आसानी से इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मैं आपको मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।